नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रेगाफ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन डोमिनेशन क्या है, बिटकॉइन डोमिनेशन किस तरीके से वर्क करती है, बिटकॉइन डोमिनेशन अगर बढ़ती है तो हमको कैसे फ़ायदा होता है, अगर बिटकॉइन डोमिनेशन घटती है तो कैसे फ़ायदा होता है। बहुत सारी चीज़ें बिटकॉइन डोमिनेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी को भगवान आके फ़ोन करता हो, हेलो हाँ मैं भगवान बोल रहा हूँ। देखो, अब ना जो अल्ट सीजन है ना वो आने वाला है और अभी जो बिटकॉइन है सिंपली वो पंप होने वाला है। ऐसा कोई किसी के पास नहीं है, कोई मैजिक नहीं है या फिर कोई भगवान किसी को कॉल नहीं करता है, ठीक है। सब चार्ट के हिसाब से होता है या फिर जो प्रीवियस डेटा है यानी कि पिछले समय का जो डेटा है उसके हिसाब से लोग बताते हैं और उसी हिसाब से जो प्राइस है उसको प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कुछ अपने जो बेस्ट करने की कोशिश की है, सारी डिटेल्स यहाँ पे निकाली और कुछ अपने हिसाब से ये एक चार्ट भी बनाया है। तो ठीक है, ड्राइंग गंदी है बट इसी से काम चला लो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि टोटल जो मार्केट कैप है वो 2 ट्रिलियन डॉलर की, अभी जो मार्केट कैप है वो 1.6 ट्रिलियन की समथिंग है, बट मैंने 2 ट्रिलियन का यहाँ पे एवरेज लगा लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो बिटकॉइन डोमिनेशन वो लिख लिया कि भाई बिटकॉइन डोमिनेशन है 50%, ठीक है, और यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेशन है 50%। तो सीधा सीधा बात है कि भाई टोटल मार्केट कैप अगर 2 ट्रिलियन डॉलर का है तो बिटकॉइन का जो 50% अगर डोमिनेशन है तो 1 ट्रिलियन डॉलर तो बिटकॉइन में ही लगा है और 1 ट्रिलियन डॉलर अपना अल्ट्स में लगाया जो बचता है वो, मतलब 50% अगर बिटकॉइन की डोमिनेशन आपको दिखती है चाहे मार्केट कैप कितना भी हो, अगर आपको 50% दिख रही है तो आप उसका आधा समझ लो कि जो ये बिटकॉइन है वो होल्ड करके बैठा है डॉलर, ठीक है। अब समझते हैं कि बिटकॉइन जो डोमिनेशन है वो काम कैसे करती है, अगर बढ़ता है तो क्या होता है और घटता है तो क्या होता है। काफ़ी बार आप सुनते होंगे बिटकॉइन डोमिनेशन का, लेकिन माथा पच जाता है कि यार ये बिटकॉइन डोमिनेशन होता क्या है। देखो, आपका भाई ना बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा है आपको कि बिटकॉइन डोमिनेशन क्या पंगा है। अगर जो बिटकॉइन डोमिनेशन है, ठीक है, वो बढ़ता है, मानो कि 50 है, 50 से 60, 70 जो भी है वो हो गया, समझ लो कि जो अल्ट्स कॉइन है, अल्ट्स कॉइन मतलब जो बिटकॉइन है उसको छोड़ के, बिटकॉइन को छोड़ दो, आप इथेरियम ले लो, आप BNB ले लो, ADA ले लो, डोज ले लो, XRP ले लो, यूनी ले लो, जो आपकी मर्जी है, बिटकॉइन को छोड़ के समझ लो, अगर जो बिटकॉइन का डोमिनेशन वो पंप हो रहा है तो इन सब कॉइन में से निकल के पैसा जा रहा है बिटकॉइन में, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है, सिंपल बात है, तो उसका प्राइस भागेगा ही भागेगा। आप समझते हैं कि जो बिटकॉइन का डोमिनेशन अगर वो घट रहा है, मानो कि 50 था, 45 हो गया, 40 हो गया, 32 हो गया, 35 हो गया, तो समझ लो कि जो बिटकॉइन है, ठीक है, जो बिटकॉइन है उसको लोग सेल करके यानी कि उसमें से मूव कर रहे हैं अल्ट्स कॉइन में, ठीक है, बिटकॉइन को छोड़ के, और मतलब इथेरियम हो गया, BNB, XRP, समझ गए होंगे। तो जब बिटकॉइन सेल होगा और बिटकॉइन का डोमिनेशन गिरेगा और अल्ट्स कॉइन में पैसा जाएगा, तो आप सिंपल से समझते हैं कि अल्ट्स कॉइन में एक बूम आएगा अच्छा खासा, जिसको लोग बोलते भी कि अब अल्ट सीजन आ गया, ठीक है। तो जब जब बिटकॉइन का जो डोमिनेशन है वो इंक्रीज होगा, अल्ट सीजन है वो डिक्रीज होगा, मतलब नीचे चले जाएगा, अल्ट माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे बिटकॉइन का डोमिनेशन है वो नीचे गिरेगा, ठीक है, डाउन आता जाएगा, उसी हिसाब से जो अल्ट्स कॉइन है वो प्लस में हो जाएंगे, ठीक है, ये समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। अब थोड़ा सा जो पिछला डेटा है उसके हिसाब से समझते हैं, ठीक है। सो जो ट्रेडिंग व्यू है इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा, इस पर भी आपको सीरीज वाइज सीरीज में बताऊंगा। अभी देखो काम चल रहा है यार, इतना जल्दी तो मैं बना भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, अकेला हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ, सब करता हूँ, और आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, मुझे पता है यार, आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जो बिटकॉइन डोमिनेशन है वो आपको बताऊँ, तो यहाँ पे लगभग जो अपना 15 जनवरी था 2018 को जो बिटकॉइन डोमिनेशन है वो लगभग 35% के समथिंग आ गया था। और अगर मैं डेटा भी यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सीधा जो बिटकॉइन का डोमिनेशन हमको दिख रहा है, एक सेकेंड गाइस, ओके, सो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, तो लगभग 32.80, आप 32 के समथिंग समझ लो, जैसे ही यहाँ पे ये आया था 2018 में जनवरी में, तो मैंने थोड़ा सा डेटा निकाला कि आखिर हुआ क्या था उस टाइम। तो मैंने यहाँ पे डेटा निकाला 2018 का, ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ पे आप कॉइन्स को देखो, ट्रॉन देखो, ट्रॉन लगभग यहाँ पे 346% का प्रॉफिट दिया था 7 दिन में। और भी अगर आप अदर कॉइन को देखोगे तो यहाँ देखो 200% है, 163% है, जो सीए कॉइन जैसे हैं यार, मतलब जो आज बिल्कुल, मतलब ऐसे उनका कोई वो नहीं रहा, वो कॉइन उस टाइम, आप ये देखो
मतलब एकदम मैसिव जो पंप था ना, आप यहाँ देखो एकदम मैसिव पंप देखने के लिए मिला था, क्योंकि जो कॉइन्स थे उनमें पैसा मूव हुआ था, अच्छा खासा जो पैसा था वो मूव हुआ था उस टाइम। तो अब जो देखा जा रहा है वो इस चार्ट के हिसाब से कि भाई जो बिटकॉइन डोमिनेशन है वो गिर रहा है। सो प्रेजेंट का अपना 43.6% के समथिंग है जो कि अपन को यहाँ पे अभी दिखा रहा है। अब ये प्रिडिक्ट किया जाता है, जो अभी आप देखते भी होंगे कि हाँ अभी अल्ट सीजन गया नहीं है, या फिर कुछ टाइटल देखते होंगे कि अल्ट सीजन आने वाला है। सो देखो किसी के पास ये पावर नहीं होता है कि उनको कोई भगवान आके कॉल करता है कि हेलो रिंकू भाई अभी देखो अल्ट सीजन आने वाला है और अभी पंप होंगे, हेलो रिंकू भाई अभी ना अल्ट सीजन जाने वाला है, या फिर किसी भी यूट्यूबर को कोई भी भगवान आके कॉल नहीं करता है। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और चीज़ें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप गाइस हमेशा ध्यान रखना, एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप स्कूल में पढ़ते हो, दो दिन पढ़ के नहीं गए, आपका अगले दिन टेस्ट, आप सोचोगे कि पंकज बता देगा या जो भी बंदा है वो बता देगा, आपका जो भी अच्छा दोस्त है आपको एक टेस्ट में वो टिपा देगा, दूसरे में भी टिपा देगा, लेकिन फाइनल जो एग्ज़ाम होगी ना उसमें आपको ही लिखना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद आपकी गलती का एहसास होगा कि काश मैं पढ़ लेता जब आप फेल हो जाते। उसी तरीके से आपको खुद एक दिन गलती का एहसास होगा कि काश मैंने सारा जो मार्केट एनालाइज है वो किस तरीके से किया जाता है ट्यूटोरियल देख लिए होते और मुझे किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप डिपेंडेंट हो किसी ना किसी पे, आप देखते हो कि हाँ वो यूट्यूबर लाइव आएगा, वो सर वो बताएंगे, तब हम उस कॉइन को प्रेडिक्ट करेंगे, फिर अगर वो डाउन हो जाता है तो आप लोग उनको गालियाँ निकालते हो, और पंप हो जाता है तो हाँ सर बहुत अच्छा बताया। मैं देखता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ गाइस ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग चार्ट के हिसाब से बताते हैं और आपके लिए कीमती समय निकालते हैं और आप उनको गालियाँ निकालते हो, कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक है। वो लोग सिर्फ चार्ट के हिसाब से बताते हैं, कई बार ये नेगेटिव वे में भी चले जाते हैं, एलोन मस्क ट्वीट कर देता है तो ये धरे ही रह जाते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं बन पाता, थोड़ा बहुत बन पाता है सपोर्ट ये सब बन पाता है, बट उतना नहीं, क्योंकि भाई एलोन मस्क पावरफुल इंसान है, आप भी जानते हो यार, अगर वो ट्वीट करेगा अगर नेगेटिव वे में तो सब धरे ही रह जाते हैं, सिंपल है। बट फिर भी कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है चार्ट के हिसाब से, कोशिश करो कि चार्ट पढ़ना सीखो। अब आप बोलोगे कि भाई रिंकू भाई आपने तो चार्ट पढ़ना बताया ही नहीं, तो भाई अभी वीडियो बन रहे हैं, पूरा ए टू जेड ट्यूटोरियल आएगा, आप चिंता मत करो, ठीक है, आपका भाई है बताने के लिए, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस मैं आपको इतना बोलूँगा, खुद से सीखने की कोशिश किया करो भाई लोगों, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे, पहला मैंने क्लियर किया कि जो बिटकॉइन डोमिनेशन है वो किस तरीके से काम करता है, उसके बाद में अगर बिटकॉइन डोमिनेशन बढ़ता है तो क्या होता है, गिरता है तो क्या होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। और अल्ट सीजन जो प्रिडिक्ट किया जाता है वो ऐसे ही किया जाता है, जब जब बिटकॉइन का डोमिनेशन जैसे जैसे गिरता रहेगा अल्ट सीजन आता रहेगा। अब अगर प्रिडिक्ट किया जाए कि भाई जैसे 2018 में हुआ था बिटकॉइन का डोमिनेशन, मतलब काफ़ी डाउन चले गया था, ऑलमोस्ट जो अपना 32% चले गया था ऐसा मान लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं थोड़ा, तो अगर बिटकॉइन डोमिनेशन अभी मानते हैं जैसे फिलहाल अभी वापस से हो चुका है 43.6, आई थिंक 39 के समथिंग ये हो गया था, ठीक है, बिटकॉइन का जो डोमिनेशन था वो, तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर अगेन ऐसा होता है तो वापस से मतलब एक मैसिव पंप देखने के लिए मिल सकता है। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए मुस्कराते रहिए।